श्रीलंका वर्सेस नामीबिया के बीच में जो पहला मैच होगा वर्ल्ड कप 2022 का, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू हो चुका है आपका ये वर्ल्ड कप, और जो भी एनालिसिस होंगे 45 मैचेस है टोटल, सारे एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो आपको इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो नामीबिया की टीम आपको थोड़ी सी मतलब कमजोरी दिखेगी श्रीलंका के मुकाबले, इवन श्रीलंका की टीम यहाँ पर इंडिया को भी हराने का मादा रखती है और इनफॉर्म चल रही है श्रीलंका भी, लेकिन नामीबिया ने अपना जो पिछला मैच था वो आयरलैंड को हराया है। ठीक है, तो देखो उलट फेर करने की क्षमता है नामीबिया में, और कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी भरे पड़े नामीबिया में जो अच्छा परफॉर्म करते बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे BBL हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग हो गया, तो ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने का इनमें यहाँ पर जो भी कहते हैं ना क्वालिटी, तो वो है। तो चलिए हम यहाँ पर पूरा इन डिटेल देखते हैं इस मैच का पूरा डेटा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। देखो ये मैच होगा कहाँ पे, तो ये जो मैच ही होगा साइमन स्टेडियम साउथ गिलोंग विक्टोरिया पे, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेज में आमतौर पर पेस बाउंस ये ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा इस पिच पे, तो बैट्समैन और बॉलर्स को इक्वल सपोर्ट है। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करोगे रेशो देखोगे तो बॉलर्स यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी मतलब इतना नहीं है अंतर, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग का रेशो देखोगे तो यहाँ पर आपको लगभग इक्वली दिखाई देगा, लेकिन सेकंड बैटिंग में बॉलर्स जो होते हैं वो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। बैलेंस पिच है, अगर आप देखोगे 158 का आपको फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर दिखाई देगा, और हर इनिंग में यहाँ पर लगभग 7 विकेट्स के आसपास गिर जाती है। देखो अगर आप पेसर्स और स्पिनर्स का रेशो देखोगे तो देखो ऑस्ट्रेलिया की पिच है, तो पेसर्स को यहाँ पे भर भर के सपोर्ट होता है, थोड़ा सा उछाल भी मिलता है एक्स्ट्रा, तो देखना है आपको यहाँ पर जो पेसर्स है उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लास्ट T20 आई मैचेस देख लेते हैं हम, इस वेन्यू पर हुई है तो देखो रेनिगेट्स और सिक्सर्स के बीच में एक मैच हुआ था, यहाँ पर सिक्सर्स ने 150 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जिसे रेनिगेट्स की टीम चेज डाउन नहीं कर पाई थी और ऑल आउट हो गई थी। ध्यान में रखना बॉलर्स इस मैच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और चेजिंग में भी तो बॉलर्स ने ही यहाँ पे कहर मचाया था, चेजिंग में ही आप देख सकते हो। बाकी पर्थ स्कॉचर वर्सेस स्टार्स के बीच में एक मैच हुआ था, इस मैच में भी देखो आप बड़ा स्कोर बना था 196 का, और उसे जो स्टार्स की टीम थी वो चेज डाउन नहीं कर पाई थी, और 9 विकेट्स इन्होंने यहाँ पर भी गवा दिए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग का रेशो, तो आपको बैट्समैन थोड़े से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन चेजिंग में देखना आप, चेजिंग में यहाँ पर फिर से बॉलर्स का जो पलड़ा है वो भारी आपको दिखाई देगा। रेनिगेट्स वर्सेस हिट्स के बीच में एक मैच हुआ था, इस मैच में भी आप देख सकते हो रेनिगेट्स की जो टीम थी उन्होंने यहाँ पर चेज डाउन कर लिया था इस मैच को, हिट्स ने सिर्फ 128 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। तो इससे हमें पता क्या चलता है, अगर छोटा स्कोर बन जाता है तो वो चेज डाउन भी हो जाता है, और आप देख सकते हो। और यहाँ पे उल्टा हो गया था, जो बैटिंग फर्स्ट टीम थी उनके बॉलर्स चल गए थे और जो चेजिंग टीम थी उनके बैट्समैन चल गए थे, तो ऐसा भी कभी कभार हो जाता है अगर बैटिंग फर्स्ट टीम बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर दे। तो मिला जुला के अगर आप देखोगे तो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, तो उनको यहाँ पर 160 के आसपास स्कोर बनाना चाहिए, और नामीबिया फिर उसे चेज डाउन करेगी मतलब करेगी या नहीं करेगी ये उनके बैटिंग पे अवलंबन होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा उनके लिए। तो हम यहाँ पर श्रीलंका को फेवरेट मान के टीम बनाएंगे, तो बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं हम दोनों टीम्स का क्या होगा। तो देखो श्रीलंका से शुरुआत करते हैं हम, श्रीलंका की तरफ से पथुन निसंका ओपन करेंगे कुशल मेंडिस के साथ, वन डाउन यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा आएंगे ज़्यादा चांसेस से, चरित असलंका भी कर सकते हैं लेकिन रिसेंट फॉर्म चरित असलंका का थोड़ा सा आपको खराब दिखाई देगा, और धनंजय डिसिल्वा यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे श्रीलंका की तरफ से तो देखो यहाँ पर धनुष्का गुणतिलका, भानुका राजपक्ष, दसुन शनाका और वानिंडो असरंगा इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे तो बॉलिंग में आपको वानिंडो असरंगा, उसके बाद जमिका करुणारत्ने, दुश्मंता चमीरा, उसके बाद महेश तीक्षणा और दसुन मधुशंका, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। दसुन शनाका भी बॉलिंग कर लेते हैं, धनंजय डिसिल्वा भी बॉलिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो इनके पास बॉलिंग के मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है श्रीलंका की अगर आप देखोगे तो। और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देखो बॉलिंग में यहाँ पर महेश तीक्षणा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, वानिंडो हसरंगा इम्पोर्टेंट रहेंगे बॉलिंग से, बैटिंग भी कर लेते वानिंडो हसरंगा, और बाकी आप यहाँ पर दुश्मंता चमीरा और चमिका करुणारत्ने इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर डेथ में बॉलिंग आती तो चमिका करुणारत्ने यहाँ पर डेथ में भी बॉलिंग कराते, उनका एक एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप बैटिंग से देखोगे कुशल मेंडिस और
पतुनी संका, दोनों के दोनों फॉर्म में चल रहे, रिसेंट फॉर्म अच्छा है दोनों का। धनंजय डिसेल आपको बैकअप देके जाएंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। धनुष्का गुंतिलका का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लेकिन भानुका राजपक्षा देखो ये हिट और मिस टाइप बल्लेबाज तो है, लेकिन जिस मैच में चलेंगे उस मैच में आपको एक तरफा ये जिता के जाएंगे। 20-25 गेंदे अगर ये खेल गए तो 15 की फिक्स होती है, इतना अच्छा इनका यहाँ पर स्ट्राइक रेट होता है बैटिंग का। नामीबिया का देख लेते हैं हम। देखो नामीबिया की तरफ से एक तो यस बार्ड ओपन कर सकते हैं यम वैन लिंगन के साथ, नहीं तो डीला कॉक के साथ। देखो नाम थोड़े से आपको ऑड लगेंगे, लेकिन यस बार्ड एक कहते हैं ना ओडीआई प्लेयर है या फिर टेस्ट प्लेयर हम कह सकते हैं, रन बॉल ही खेलते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों अटैकिंग बैट्समैन है, तो इन तीनों में से कोई दो खेल सकते हैं। बाकी अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो उसमें जे निकोल लॉप्टी, उसके बाद गेराड इरेस्मस, उसके बाद जे जे स्मिथ और जे ट्रैनलिंक, ये आपको यहाँ पर इनका मिडल ऑर्डर दिखेगा। बॉलिंग ऑप्शंस आप देखोगे तो बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास कौन कौन से है, इसमें जे स्मिथ, जे फ्राइलिंग, जेन ग्रीन यहाँ पे बॉलिंग नहीं कराते, लेकिन ये लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने पारियाँ भी खेली। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो डेविड विजे यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देंगे, एक कंप्लीट प्लेयर होंगे आपके लिए, आप इन्हें वाइस कैप्टनसी के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी बॉलिंग में देखो आर ट्रम्पलमैन, बाकी टी लुंगामेनी और बी शिकोंगो, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, डेविड विजे इसमें आ जाते, तो ये कुछ इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। फाइनल तो ये नहीं है, फाइनल आपको जो लाइनअप आउट होती है उसके बाद परफेक्ट लाइनअप पे ही मिलता है, तो आपको परफेक्ट लाइनअप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मैंने दे रखा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। लाइनअप्स आउट होने के बाद आपको यहाँ पे जो भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हम डेथ बॉलिंग देख लेते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, तो देखो इनकी तरफ से डेथ बॉलिंग करेंगे जे स्मिथ और गेराड इरेस्मस, ठीक है। जे फ्राइलिंग के भी यहाँ पर चांसेस होते हैं, तो मेनली यहाँ पर अगर आप देखोगे ना जे फ्राइलिंग, डेविड विजे, ये दोनों ज़्यादातर कराते हैं, लेकिन ये सिचुएशनल होता है। ये जो नामीबिया की टीम है ना ये सिचुएशनल डेथ बॉलिंग देती है, कुछ फिक्स इनका होता नहीं है, लेकिन हम जे फ्राइलिंग और डेविड विजे इन दोनों के ऊपर फोकस रखेंगे एज अ डेथ बॉलर। अगर मान लो नामीबिया की पहले बॉलिंग आती है तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। श्रीलंका की तरफ से मेनली डेथ बॉलिंग में कौन कौन आता है आप देख सकते हो, महेश शिक्षणा और दसुन मधुशंका, इनका नाम आपको दिखाई देगा। दोनों ने 5-5 मैचेस यहाँ पर डेथ में बॉलिंग की है। चमिका करुणारत्ने भी डेथ में बॉलिंग कराते हैं, तो इस तरीके से हमने डेथ बॉलर्स भी देख लिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं वन बाय वन प्लेयर एनालिसिस की तरफ। देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस आपके लिए होने वाला है, इससे हमें प्लेयर्स भी पता चलेंगे और ये जो पूरा वर्ल्ड कप है इससे हमें फ़ायदा होगा इनसे। तो चलो हम यहाँ पर वानिडो हसरंगा का रिकॉर्ड देखते हैं। वानिडो हसरंगा यहाँ पर 10 में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट में इनका 105 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है और सेकंड इनिंग में जब ये बॉलिंग करते हैं ना तो ये काफ़ी खतरनाक बॉलर साबित होते हैं। इनका यहाँ पर चेजिंग में 55 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो देखना यार, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने दोनों मैचेस में 146-145 इतने पॉइंट्स दिए हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ 63 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो कैप्टनसी के लिए बाय डिफॉल्ट पिक आपके टीम में होने चाहिए, अगर आप स्मॉल लीग 2 मेंबर 3 मेंबर कुछ भी खेल रहे हो तो यहाँ पर हमने इन्हें लॉक भी कर लिया अपने टीम में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इनका प्रमोद मधुशन का रिकॉर्ड देख लेते हैं। ज़्यादा चांसेस से खेलेंगे नहीं, लेकिन देखो फिर भी हम रिकॉर्ड देखेंगे इनका। देखो बैटिंग फर्स्ट में इनका 36 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है, चेजिंग में 42 का होता है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 128 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे, उससे पहले 54 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। तो देखो रिसेंट फॉर्म अच्छा है प्रमोद मधुशन का, अगर खेलते तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे, आप इन्हें अगर टीम में लोगे तो एक तरफा ही आपको जीता भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। पथुन्नी सक्का ओपन करेंगे श्रीलंका की तरफ से, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, अपने दिन पे कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। चेजिंग में इनका 53 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट में आप इन्हें छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इन्होंने देखो इंडिया के खिलाफ 102 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे, तो बड़े टीम्स के खिलाफ परफॉर्म भी इन्होंने किया हुआ है। एक टैलेंटेड प्लेयर है आपके, आप चाहे तो इन्हें अपने टीम में ले सकते हो। कंसिस्टेंसी वाइज इतने बढ़िया नहीं होंगे। जान फ्राइलिंग का हम देख लेते, देखो ये जो नामीबिया की टीम है इसमें जान फ्राइलिंग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं इनके लिए। बैटिंग फर्स्ट में इनका 44 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में 71 का है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आयरलैंड के खिलाफ इनका यहाँ पर 107 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, उससे पहले ये जो कुछ डोमेस्टिक मैचेस थे इनमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है। तो देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे, इसलिए ये इन्हें आप अपने टीम में कंसिडर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये पिक आपके लिए होंगे जान फ्राइलिंग, हम इन्हें लॉक कर लेते अपने टीम में, ठीक है। कुशल मेंडिस अटैकिंग बैट्समैन है और आप देख सकते हो 10 में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके,
55 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज है, चेजिंग में 69 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो रिसेंट फॉर्म में आपको क्या पता चलता है, इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार अच्छा परफॉर्म किया भी हुआ है रिसेंटली, तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पर कुछ प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखा है, बाकी के जो प्लेयर्स का रिकॉर्ड है आपको परफेक्ट लाइनअप पे ही जाके देखना है, हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि अगर सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर अगर हम देखने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इससे अच्छा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी परफेक्ट लाइनअप की, वहाँ पे आपको साइनअप कर देना है, सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप वहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल हमने जो भी रिकॉर्ड से ऑलरेडी सब देख के हमने एक टीम बनाई है, तो चलिए हम सीधे टीम की तरफ चलते हैं। देखो ये जो वर्ल्ड कप है यहाँ पर हम ग्रैंड लीग की टीम कस्टम टीम बिल्डर पे बनाने वाले हैं। तो कस्टम टीम बिल्डर काम किस तरीके से करता है, देखो कस्टम टीम बिल्डर में तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन का है, यहाँ पर आप वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी टीम बना सकते हो। रिसेंट परफॉर्मेंसेस में आप यहाँ पर सिर्फ रिसेंट परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रख के टीम बना सकते हो। ड्रीम टीम अपीयरेंसेस, यहाँ पर सिर्फ जो कंसिस्टेंटली ड्रीम टीम में रह रहे हो उन प्लेयर्स को ध्यान में रख के अपनी टीम बना सकते हो। बाकी एडवांस सेटिंग आपको यहाँ पर देखो, हमने पिच रिपोर्ट देखा, हमें बैलेंस पिच दिखाई दी, तो मान लो आपको यहाँ पर कुछ ऑलराउंडर्स का नंबर फिक्स करना हो, बैट्समैन का नंबर फिक्स करना हो, मान लो आप चाहते हो कि आपकी हर टीम में चार ऑलराउंडर चाहिए, आपको तीन ऑलराउंडर चाहिए, तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हो। तो आपको जो कस्टम टीम बिल्डर टीम बना के देगा वो वैसे ही देगा, आपकी हर टीम में तीन ऑलराउंडर यहाँ पर होंगे ही होंगे। तो हमने यहाँ पर तीन ऑलराउंडर्स का आंकड़ा फिक्स कर लिया है, चाहे जितनी टीम आप बना सकते हो। मैंने क्या किया है, रिकॉर्ड देख के कुछ प्लेयर्स को लॉक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो मैंने लॉक किए, आपके हर टीम में आएंगे जब भी आप कस्टम टीम बिल्डर से टीम बनाओगे। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनका रिकॉर्ड आपको अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें आपको अपने टीम से निकाल देगा है, कैसे निकाल देना है, कैसे निकालोगे, ये जो क्रॉस वाला साइन है, एक्सक्लूड का साइन है, इससे आप अपने उन प्लेयर्स को अपनी टीम से निकाल सकते हो। नीचे आपको सिर्फ जनरेट टीम के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने जो टीम है वो बन के आ जाएगी। हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टीम्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, हम यहाँ पर कम कर देते हैं टीम्स का आंकड़ा, ठीक है। तो जनरेट टीम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक मिनट, हम कुछ प्लेयर्स को निकाल लेते हैं, ज़्यादा प्लेयर्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं तो टीम बनने में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो चलो ये जो टीम है ये हमारी बन के आ चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी ग्रैंड लीग्स की टीम से, इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से प्लेयर्स को लॉक कर सकते हो, अपने हिसाब से प्लेयर्स को हटा सकते हो, तो आपको जैसा चाहिए वैसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। देखो टोटल यहाँ पर हमने इतनी टीम्स बनाई है, हमें समय कितना लगा, तो समय बचाना है आपको, तो परफेक्ट लाइनअप पे आओ। आप यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज भी मैनेज कर सकते हो, जैसे दसवें शनाका का जो सिलेक्शन परसेंटेज है हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो हमारे हर टीम में यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज वो कम हो जाएगा, कुछ टीम से अपने आप हट जाएंगे। तो आप देख सकते हो दसवें शनाका का जो यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज वो कम आपको नज़र आएगा, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो देख सकते हो आप दसवें शनाका यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज हम देख लेते, तो देखो यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स में दसवें शनाका, हाँ देखो आप, इनका यहाँ पर 29 सिलेक्शन परसेंटेज हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा था, 70 या 80% के आसपास इनका सिलेक्शन परसेंटेज था पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो टीम से ग्रैंड लीग को क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर अपनी जो स्मॉल लीग की टीम उसे देख लेते, तो चलिए यहाँ पर देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जेन ग्रीन लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन कुशल मेंडिस आपकी टीम में मस्ट पिक हो जाते, स्मॉल लीग में आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। अगर आप बैटिंग ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पर देखो मैं भानुका राजपक्षा के साथ जा रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो ये हमारी टीम में रहेंगे, चेजिंग में शायद इनकी बैटिंग थोड़ी सी कम आएगी लेकिन थोड़ी सी कम आएगी। और अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर देखोगे नामीबिया की तरफ से बैटिंग सेक्शन में, तो जे स्मिथ और जे इरास्मस हमारी टीम में रहेंगे, आप डीला कॉक को भी ले सकते हो अपनी टीम में, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी चरित असलंग का खेलते तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, बाकी पथुन निशंका के साथ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा तो नहीं इनका, कंसिस्टेंसी भी इतनी नहीं, लेकिन नामीबिया की टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करके जा सकते। ऑलराउंडर सेक्शन में हम चलते वानिडू असरंगा मस्ट पिक होंगे, कैप्टनसी के लिए भी बड़े ऑप्शन, जे फ्राइलिंग के साथ मैं जा रहा हूँ, डेविड विजय एक मस्ट पिक आपकी टीम में होनी चाहिए, धनंजय डिसलवा वन डाउन बैटिंग करेंगे प्लस ये आपको बॉलिंग भी करके देंगे कुछ ओवर्स, तो इन्हें भी आप अपने टीम में ले सकते हो। एक मिनट, में यहाँ पर किसी एक प्लेयर की जगह पे उनको ले सकता हूँ, भानुका राजपक्षा की जगह पे मैं धनंजय डिसलवा को अपनी टीम में ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम बॉलिंग देख लेते हैं, बॉलिंग में श्रीलंका की तरफ से महेश दीक्षणा हमारे टीम में रहेंगे, बाकी मैं चमिका करुणारत्ने के साथ एज अ बॉलर जा रहा हूँ। देखो चमिका करुणारत्ने शायद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर आप इन्हें ले सकते हो किसी एक प्लेयर को हटा के, तो आपके लिए यहाँ पर धनंजय डिसलवा और चमिका करुणारत्ने इन दोनों में से किसी आप एक को ले सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर किसी और एक बॉलर को ले लेते हैं, जैसे दुश्मंता चमेरा का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है लेकिन इनमें कैपेबिलिटी विकेट्स निकालने की, ठीक है। तो फिलहाल हम दुश्मंता चमेरा को ले लेते, और अगर आप इनकी तरफ से देखोगे
तो भी शिकोंगो के साथ मैं जा रहा हूँ। इन्होंने शायद पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाली थी और इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की थी, सिर्फ 2 ओवर्स इन्होंने डाली थी लेकिन 3 विकेट्स, यानी विकेट टेकिंग एबिलिटी अच्छी खासी इनकी। तो हम यहाँ पर इस टीम को सेव कर लेते। तो देखो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे बड़े ऑप्शन आपके लिए वानिंडो हसरंगा होंगे। वाइस कैप्टनसी आप चाहे तो पथुन निसंका, कुशल मेंडिस, इन दोनों में से किसी एक को दे सकते हो, नहीं तो महेश तिक्षणा भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन मैं एज ए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस डेविड विजे के साथ जा रहा हूँ वाइस कैप्टनसी, ठीक है। तो डेविड विजे को हम यहाँ पर वाइस कैप्टनसी दे देते, ठीक है। चलो, डेविड विजे को हमने वाइस कैप्टनसी दे दी है, हम टीम को सेव कर लेते। तो देखो, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है लेकिन फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको परफेक्ट लाइनअप पे मिलेगी और जो आपकी अपडेट्स होंगी टॉस के बाद की, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर ही मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। और देखो, वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।